नमस्कार सभी भाई साहब, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं सलाहपुर। आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का अपने चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं सलाहपुर के बाजार में। सलाहपुर के बाजार में भैंस और गाय दोनों आती हैं, एक से एक अच्छी दूध वाली भैंस यहाँ सलाहपुर में आती है और अच्छी गाय आती है। गाय भैंस दोनों आती हैं। हर मंगलवार को लगता है मेरठ बड़ोतरो रोड पर, जिला मेरठ यूपी। अब कुछ भैंसों को दिखाएंगे और उनकी कीमतों की दूध की जानकारी करेंगे जैसे हर वीडियो में करते हैं। अब गर्मियों का मौसम है, देखेगा गर्मियों के मौसम में कितनी भैंस आई हुई हैं। हर समय के मुकाबले कुछ कम तो होती है क्योंकि ये टाइम ऐसा हो जाता है। सभी भाई वीडियो को पूरी देखें और वीडियो के लास्ट में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे जिनसे आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब कुछ भैंसों को दिखाएंगे, देखेगा बाज़ार में वैसे तो एक से एक भैंस आई है। ये सामने हम दिखा रहे हैं एक तेलिया भूरी भैंस है। तेलिया भूरी भैंस बहुत ही कम आती है, एक आती आती है बाज़ार के। चलिए भैया क्यों चला, सिर सिंगार से बेहतरीन है। तो जड़ जो है भैंस के आगे को जड़ है तेलिया भैंस, आगे को जड़ है और तेलिया भूरी भैंस है। तेलिया भूरी भैंस बहुत ही कम मिलती है और थन पावस की बहुत बेहतरीन है। थन जो है अच्छा लंबा थन है और देखेगा पावस बहुत टाइट पावस है भैंस का। और इसका बच्चा भी भूरा ही है। क्या है बच्चे इसका, देखेगा ये बच्चा मजे से दूध पी के मजे से सो रहा है। अब करते हैं इस भूरी भैंस की भी जानकारी। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए हर बाज़ार में पहुंचते हैं, हर तरह की वीडियो दिखाते हैं। अभी बातचीत करते हैं भाई से। क्या हाल है भैया? भैया जी आप भी ठीक हो? हाँ भैया बढ़िया। क्या नाम है? इकबाल। कहाँ के रहने वाले? दासनगे। तो ये आज कितनी भैंस लेके आए थे? दो लेके आए थे। और ये दिखाई था एक ही दे रही है, दूसरी बेच दी? बेच दी सुबह सुबह आते बेच दी। कमा दिया मोटा नफा? नफा बस ना, नफे की मुस्कान तो चेहरे पर लगी। आ जा, गुजारा कर लिया हो गया, गुजारा तो हो गया। चलो गुजारा होना चाहिए। देखिएगा भाई की भैंस है भूरी है, तेलिया भूरी। और ये जो भैंस है भैया भूरी, तुम्हारी कौन से ब्यांत की है, कौन सी बड़ी ब्याई? तीसरे ब्याई भाई, तीसरा बेबी है। और आज कितने दिन की बेबी है? पांच दिन की। और बच्चा क्या है? नीचे पड्डा है, कटड़ा है। देखेगा बैठा है, पड़ा है अंदर, अंदर सुन ले। देखेगा कटड़ा है इसका। और अब जैसे पांच दिन की बेबी हो रही है, अब दूध कितना है तैयार? अभी ऐसा बन रहा है 11-11.5 किलो। 11 किलो बाजार वाला? नहीं घर का। ये घर वाला है, नपती वाला। अच्छा, और कीमत क्या रखी भैया? कीमत इसके 1,05,000। 1,05,000 11 किलो दूध की कीमत बड़ी जबरदस्त बता दी। कुछ गुंजाइश है? फिक्स है, बस 1,500 की मामला है। 1,500 का ही है या 1,500 में 10-15,000 का है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इतना नहीं है। तो कहाँ तक की जाओगी लास्ट? बस ये 1,500 रुपए। 1,500 मतलब एक तक का है विचार देने का? नहीं नहीं एक की नहीं मिलेगी, एक की भी नहीं देगा। और एक से ऊपर ही बेच के जाएगा? एक से ऊपर। तो मोल छोटा ही मोल का रखा? मोल बराबर कर रखा। अच्छा बराबर ही कर रखा है। अच्छा जैसे सुबह से ला रखी है भैया, तो लगी है कुछ कीमत? कीमत लगी है, सब आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं मतलब कोई टिकाऊ वाली कीमत लगी कुछ? हाँ लगी है। कितने लगे? 95 लगे। तो 95-96 में औसत नहीं आ रहा? नहीं। और अब तो पूरी लाख की गड्ढी में आओगे? लाख से ऊपर जाओगे। चलो ठीक है भैया, तुम्हारी बीके बढ़िया। देखेगा जी भैंस जो है तेलिया भूरी है, इसलिए भाई थोड़ा कैड़ा हो रहा है। और भैंस की जड़ जो है आगे वाली जड़ है, वैसे भैंस जो है ठीक भैंस है। ठीक है भैया जी, बाजार के अंदर सभी तरह की भैंस आती हैं, सब तरह की भैंस खड़ी रहती है, हर किसी भैंस की जानकारी नहीं होती है। देखो दिखाएंगे कुछ और भैंस, देखेगा मौके पे इस समय पास भी होने लग रही है, उससे थोड़े से दूर रहेंगे कभी भिदक जाओ भैंस। बेच दी होगी तो बाजार के अंदर ये भाई पास कर रहे हैं, भीगी है भैंस, जो भी बिकेगी। कई बार भैंस भिदक जाती है तो इसलिए इसके ज़्यादा पास नहीं जाएंगे। भैंस की जड़ जो है इसकी जो पास हो रही है बहुत ठोस जड़ है, जैसी बाजार में हर खरीदार भाई देखता है। इतना वो भैंस दिखा देते हैं। चलिए भैया ले चलिए आप, क्योंकि देखिएगा सभी तरह की भैंस आती हैं। हल्की बारिश अभी जो भी पास हो रही थी लाइए भैया, और 13 किलो भी देखिएगा। भैंस की दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जड़ थन की है। और जो व्यापारी भाई है पूरी तारीफ कर रहे हैं भैंस की, थोड़ी सी भैंस कैडी भैंस तो है।
और बाजार के अंदर जोश जो है अच्छा जोश बना रखा है, बिल्कुल जड़ जड़ ठोस जड़ है ठुकी हुई। जी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ले चलो बांधो, ले चलो भाई, ले चलो बच्चे। देखिएगा ये इन्हीं व्यापारी भाइयों के एक साथ कई भैंसे हैं और दूसरी भैंस भी खोल रहे हैं। दूसरे व्यापारी कीमतों की अभी करेंगे जानकारी, पहले दिखा लेते हैं। भैंस जो है मीडियम साइज की है। ले चलो बच्चे भी ले चलो, देखो बच्चे बच्चे की वजह से जा नहीं रही है, भाग रही है भैंस। दो ये है, तीसरी भी दारी है, ये दोनों ही है, बढ़िया बेहतरीन भैंस है। क्या हाल है भैया जी? बस ठीक है जी, बढ़िया जी। क्या नाम है? नाम अंसार है जी। कहाँ के रहने वाले? खिरवा जलालपुर। खिरवे के हो? खिरवे वालों का दबदबा भरा है जाने यहाँ, वालों का माल अच्छा लाओ। अच्छा माल लाओ, चलो हम तो मान लेंगे थारी बात बिल्कुल। अच्छा ये जो भैंस है सामने जो खड़ी है, कौन सी बोरी भी आई भैया? ये होगी जी कम से कम तीसरे भी होगी, जो की तीसरे भर की। और भी आई कितने दिन की हो रही है? तीन महीने की हो रही। देखिएगा भाई साहब, तीन महीने की भैंस बीआईवी बता रहा है, और कोई व्यापारी होता तो एक एक महीने की बीआईवी बताता। अरे बच्चा क्या है नीचे कटड़ा? अब दूध कितना है इसमें तैयार? दूध इसमें 13 किलो है जी, 12 तो बढ़िया वाला। 12 बढ़िया वाला, ये बाजार वाला ही है? नहीं, 12 लीटर काटने का जो नपती वाला। देखिएगा पूरे जोर लगा दिया है भाई ने, जो पक्का दूध होता है उस पे ऐसे ही करते हैं। तो इसकी क्या कीमत रखी है? बानवे फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? बाकड़ी हो रही है, बाकड़ी वाला दाम बता दो। लैंड हो तो फिर 1.5 लाख रुपए की भाई जी। अच्छा लैंड हो गए इतनी दाम हो जाएंगे? डेढ़ की तो बिक्री नहीं, बिक्री है ऐसे दाम हो रहे हैं, दाम हो रहे हैं बढ़िया। मौसम की हवा है, मौसम की हवा। अच्छा और ये जो दूसरी वाली घुमा के दिखाई थी भैया, कितने दिन घुमा के दिखाते भाई? नही रहने दो, इसकी कटिया नीचे हो। ये वाला बच्चा यू कितने दिन की भी, ये कितने दिन की भी अभी हो रही होगी? 2 महीने की। ये 2 महीने की हो रही? हाँ। कैसा इतनी कैडी कैडी बीआईवी लेके आयो? बस हाँ कैडी ले ली, दूध की अच्छी है। ये भी दूध की अच्छी है? हाँ। इसमें कितना दूध तैयार है? इसमें 12 किलो तैयार है। 12 किलो है तैयार? 11 लीटर काटने का, 11 किलो काटने का है। अच्छा 12 बताने का है, 11 काटने का। अगाड़ी भी देखो इसकी। और इसकी कीमत भैया? इसकी कीमत 85,000 रूपये। 85? तो 85 में होंगे कुछ कम? हाँ 1,500 कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ तक जाओगे लास्ट? बस 80 से कम नहीं देने के जी। 80 की जाओगी, 90 की लास्ट है। तो बाजार में लगी कुछ कीमत? नहीं लगी है, कीमत लग रही है। लग रही है? तो लग रही तो कर दो खदा काम को। कुछ कम लग रही है अभी, कुछ कम लग रही है अभी, कम लग रही है अभी, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, बात मर्जी का प्रॉफिट नहीं हो रहा। जितनी मेहनत चला इतनी मेहनत मिल रही है, इतनी नहीं मिल रही अभी। चलो ठीक है, मिलेगी थोड़ी देर में मिलेगी। सभी तरह की भैंस आती है, सभी तरह की भैंस आती है। ये किसकी भैया? तुम्हारी है? खोलिए इसे एक बार भैंस को, एक और भैंस दिखा रहे हैं। भैंस साइज बहुत अच्छा, भैंस का जड़ जो है थोड़ी कम जरूर है, आगे आगे को जड़ है, आगे वाली जड़ है। देखेगा मौसम है इस समय भाई। अच्छा चलते मैं दिखाया था, जड़ जो है वैसे जैसे बाजार में देखते हैं ठोस जड़ है, बिल्कुल ठुकी हुई जड़ है। थोड़ी पाँव से लंग से कर रही, देखिए सरण है। एक बार बोला छोटू, एक बार बोला। देखिएगा इस भैंस के पैर में सरण और सरण दिखा देता हूँ। जो भैंस पैर को झटका लेके चलती है उसे सरण बोलते हैं। देखिएगा हम भाई से पूछ रहे थे कि ये भैंस थोड़ी पैरों से लंगड़ी तो नहीं हो रही, लिया इस भैंस के पैर में सरण है। और साइज जो है बहुत ही अच्छा साइज है, ऊंचाई लंबाई से बेहतरीन है भैंस। दोनों में ही है तो इस वाले में सरण वाली भैंस है। क्या नाम भैया जी? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? खिरवे के। तुम भी खिरवे के हो? तो पट्टी पूरी खिरवे वालों की हो रही, दिखा है भैंस है। कौन से ब्यात की है? चैनर बनाओ जाओ, यही बनाओ जाओ। कौन से ब्यात की भैंस है? तीसरे की। तीसरे बिहारी हमें लग रहा है, चौथे पांचवे बिहारी हो, सारी तीसरे से ऊपर ही न जाती है। और कितने दिन की बिहारी भैया? 20-22 दिन की। अब दूध कितना तैयार? दूध इस टाइम 11 किलो तैयार। 11 किलो पक्का वाला?
और क्या कीमत का रखी है इसके? पचानवे तो फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? हो जाएगा कोई हजार दो हजार, हजार दो हजार या दस पंद्रह का? दस पंद्रह नहीं होंगे, मतलब पचानवे में नब्बे तो हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा यार, सुबह से ला रखी लगी कोई कीमत? कितने लगे? अस्सी पचासी लग रहे हैं। तो बस तो नजदीक होने वाला मामला है, 1500 पता काम पता। तो कितने बजे लेके आए थे आज? दो लेके आए थे, दूसरी बैग थी। कमा दिया नफा? ऐसा ही हुआ ना, मुस्कान तो ज्यादा की बता रही, नफा बढ़िया हमारा का। चलो ठीक है भैया जी, देखेगा भाई की भैंस जो है अच्छी भैंस है, वो कीमत भी जायज करी है, नहीं तो बाजार में कोई भी लाख रुपए से बढ़ती की कीमत करता है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।